नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के देवीधुरा में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 21 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए देवीधुरा स्थित माँ वाराही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध वज्ञान मेले का संचालन राज्य सरकार द्वारा किए गए घोषणा की। आपको बता दें कि देवीधुरा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध माँ वाराही धाम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा पहुंचने पर पौधारोपण भी किया। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 18 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 54 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 342 पहुंच गई है। बता दें कि रविवार को प्रदेश में 380 सक्रिय मामले थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 18,417 सैंपलों की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है। चंपावत, पौड़ी और टिहरी जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आए हैं। वहीं नैनीताल में कुछ सालों से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का एक अड्डा सा बन गया है, जबकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, अपराध करने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि होटल में एक महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं एक दिन पहले एक सैलानी की गोली लगने की घटना भी सामने आई थी। नैनीताल के एक होटल में महिला की हत्या की जानकारी दोपहर 12 बजे मिली। बता दें कि रात में कमरे में रुके व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान पत्र होटल के रिसेप्शन से मांग कर ले जाया गया, जिसके बाद होटल के कर्मियों ने होटल का दरवाजा खोला, तब जाकर वहां पर एक महिला की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी मिली, जिसके बाद होटल कर्मियों ने तुरंत पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज लगभग 11 बजे हमें सूचना मिली कि एक महिला का वहां पर होटल में एक रूम में मृत शरीर पड़ा है, तो उसके बाद तुरंत पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। हमने फोरेंसिक टीम को बुलाया, पंचनाम भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो बॉडी देख के लग रहा है कि संभवतः एक हत्या का मामला है, तो तहरीर ली जा रही है, तहरीर के FIR हम दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने रांची स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने रांची स्टेडियम में बनाए जाने वाले प्रस्तावित स्पोर्ट्स हॉस्टल, मेस, कैंटीन, जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की जानकारी ली। साथ ही हॉस्टल में वाहन पार्किंग और हॉस्टल में आने के लिए सड़क को स्टेडियम की दीवार के पीछे से सड़क तक जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में आने वाले खिलाड़ियों को स्टेडियम के मुख्य द्वार से ना आना पड़े और वो सीधा चेंजिंग रूम आ सके, इसके लिए भी उचित व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि स्टेडियम में वाटर ड्रेनेज सिस्टम की भी जांच की जाए। उन्होंने ओलंपिक खेलों में अच्छे भारत के अच्छे प्रदर्शन के बाद युवाओं के रुझान को देखते हुए ट्रैक एंड फील्ड खेलों के लिए ट्रैक बनाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। खेल विभाग के अंतर्गत जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे जो है एक लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 4 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य है और उसमें लॉन टेनिस कोर्ट, सिंथेटिक। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग के बड़मा क्षेत्र की ग्राम सभा बस्टा और डोबलिया में भूस्खलन के चलते आवासीय बस्ती को खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं इस भूस्खलन से कई जगहों पर जमीन अंदर चली गई है, जमीन में लंबे चौड़ी दरारें पड़ गई हैं, वहीं पर रह रहे लोगों के लिए इस वक्त खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन की टीम मौके का मुआयना करने नहीं पहुंची है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कई साल पहले यहां भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम आई थी, उन्होंने भी इस गाँव को असुरक्षित माना था और विस्थापन की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से जमीन धस रही है, लेकिन अब तेजी से जमीन धसने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रशासन से कोई भी मदद हमें नहीं मिल रही है। पूरा मामला सामने आया है, जहां भूस्खलन के चलते इस वक्त ग्रामीण काफी परेशानियों में आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त भूस्खलन का खतरा लोगों के लिए बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड में काशी के नंदगांव में एक घर में सिलेंडर में लीकेज होने के चलते आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया।
वहीं आग बुझाते समय मां बेटी बुरी तरह से झुलस गईं। दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बड़कोट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड को बड़कोट से बुलाया गया, जहां ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं चंपावत जिले में दिव्यांगों और बुजुर्गों को वैक्सीन के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टरों की टीम घर घर जाकर दिव्यांगों और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाएगी। इस सुविधा से दिव्यांगों और बुजुर्गों में काफी खुशी है। की उम्र 103 साल है। मैं बताना चाहूंगा कि इनको कोविड का दूसरा वैक्सीन लगना था। इनके द्वारा चलने में भी असमर्थता है एवं इनको सुनाई भी नहीं देता है, तो ये देख भी नहीं पाते हैं। हमारी हॉस्पिटल की टीम की एम्बुलेंस के द्वारा इनको हॉस्पिटल में लाया गया, दूसरा टीका लगाया गया और उसके उपरांत इन्हें घर भी छोड़ा गया। तो मैं सारे लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर आपके गांव में जिनको सुनने में दिक्कत है, सुन नहीं पाते हैं, जिनको देखने में परेशानी है, अगर हमें उनकी लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से उस व्यक्ति को टीकाकरण के लिए लाया जाएगा या स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पे ही जाके उनको टीका लगा। कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना सबसे अहम है। मुस्लिम समाज में वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन अब विकास नगर में मुस्लिम समुदाय भी वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहा है। केदारवाला गांव में मुस्लिम समुदाय के करीब 300 लोगों ने वैक्सीन लगाई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह साझा प्रयासों से आज गाँव के सभी महिला और पुरुषों को कोविडशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, और मुझे जो जिम्मेदारी कही थी मैं उसे सही निभाने की कोशिश करूँगा। मेरे गांव में आज वैक्सीन प्रोग्राम है। ये हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जसविंदर बिट्टू सिंह ब्लॉक प्रमुख, उनकी वजह से चले। हमारे यहाँ लोग डरते थे, अब धीरे धीरे करके मोमडन भाई इसमें सब वैक्सीन लगाने। वहीं निरंकारी मिशन पूरे देश में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए मिशन की तरफ से देश के 75 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसकी शुरुआत करते हुए चमोली जिले के नंदप्रयाग में संगम तट पर पौधारोपण किया गया। मिशन इन लगाए जा रहे पौधे की देखभाल अगले 3 साल तक खुद करेगा, जिसमें सेवादारों को लगाया जाएगा। निरंकारी मिशन द्वारा यहाँ पे 3 साल के लिए हमारे नंदप्रयाग संगम को गोद लिया गया है, जिसमें कि वृक्षारोपण किया जाएगा और हमारे जो सेवादार हैं वो निरंकारी मिशन के, उन्होंने 11 तारीख से यहाँ अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया था। आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना में हर किसी को ऑक्सीजन की बड़ी कमी रही, तो मेरे द्वारा 50 वृक्ष नंदप्रयाग संगम में लगाए गए। निरंकारी मिशन द्वारा हमारे मिशन की 11 तारीख से सेवाएं चल रही हैं। संत निरंकारी मिशन के सेवदल के भाई बहनों ने पूरे संयोजक क्षेत्र, तीनों संयोजक क्षेत्र मिलजुल कर, नंदप्रयाग संयोजक क्षेत्र, नंदप्रयाग, करणप्रयाग, रुद्रप्रयाग संयोजक क्षेत्र, आदिवासी संयोजक क्षेत्र के भाई बहनों ने यहाँ पे सेवाएं करी। और जहाँ हमारे देश को स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ मनाने जा रही है, वहीं आज नगर पालिका की अध्यक्ष यहाँ पे आई। उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस पर निरंकारी मिशन के सेवादल के भाई बहनों के साथ मिलजुल के पेड़ वृक्षारोपण लगाया। पौड़ी गढ़वाल में विकास खंड थलीसैंण स्थित सैनिक विश्राम गृह में बालम सिंह नेगी की अध्यक्षता में सैनिक संगठन की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में सर्वसहमति से राजकुमार सिंह को सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया और बालम सिंह, मोहनलाल पंत और आशा राम को कार्यकारिणी का संरक्षक नियुक्त किया गया। साथ ही भवान सिंह कार्यकारिणी के सलाहकार बनाए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे।
10 अगस्त को कलियर के ऐथल गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मारपीट के दौरान दबंगों ने उनके घर की महिलाओं और बेटियों को पीटा और उनके साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। के 2 बजे के लगभग की बात है, हमारे यहाँ कुछ दबंग आदमी आकर के 10 आदमी आकर के हमारे घर पे मार पिटाई की और बुरी तरीके से हमें घायल किया। अगर हमारे माँ बाप को, मेरे पापा को और मेरे भाई को बुरी तरीके से मारपीट की और उनके हाथ में लोहे की रोड थी, स्टील की रोड थी, डंडे थे, लाठी थे और उन्होंने बुरी तरीके से बताया, अगर हमने छुटाने की कोशिश की तो मेरी अम्मी के जो इनके साथ भी मार पिटाई की और इनका दांत भी टूट गया और मुझे भी मारा है, मेरी अम्मी को भी मारा है, मेरे भैया को बुरी तरीके से। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।